नमस्कार संदीप सर, दून डिफेंस एकेडमी के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। आज हम बात कर रहे हैं एनडीए सीडीएस के एग्जाम के रिजल्ट के बारे में जो हमारे बच्चों ने यहाँ प्रदर्शन किया है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 21 अप्रैल 2024 को एनडीए सीडीएस का पहला एग्ज़ाम हुआ था और उसका 9 मई को रिजल्ट आया है। तो इस बार भी डीडीए के बच्चों ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है और जैसे कि डीडीए की परंपरा है, जो एनडीए रिटर्न एग्ज़ाम बच्चे निकालते तो उनको 1,000 रुपये का कैश अवार्ड संदीप सर द्वारा आशीर्वाद के रूप में दिया जाता है। तो उसी फंक्शन के लिए आज बच्चे हैं तो उनसे हम बात करेंगे उनके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में। तो हमारे साथ हैं अभी जिन्होंने सीडीएस क्लियर किया है, उत्कर्षा वर्मा। तो उत्कर्षा, पहले तो अपने बारे में बताओ। सर, माय नेम इज़ उत्कर्षा वर्मा एंड आई हैव टेकन 6 months कोचिंग फ्रॉम दून डिफेंस अकेडमी देहरादून एंड आई हैव बीन प्रिपेयर। दिस इज़ माई 3rd अटैम्प्ट इन सीडीएस एग्जाम एंड दिस टाइम आई क्लियर फॉर ओटीए एंड टुडे आई एम हेयर फॉर द कैश अवार्ड सेरेमनी ऑफ दून डिफेंस अकेडमी। अच्छा, जैसे आपकी 3 बार आपने दिया बता रहा है आपने, तो अभी आपके निकल गया है, तो डीडीए की प्रिपरेशन का कितना फ़ायदा मिला आपको? काफ़ी फ़ायदा मिला है सर। आपको स्टडी मटेरियल का आइडिया हो जाता है, आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि आपको एग्ज़ाम में किस स्ट्रैटेजी से कितनी किस चीज़ की प्रिपरेशंस करनी है, आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता चल जाती है। सो ऑल ओवर दून डिफेंस अकेडमी और खुद सेल्फ प्रिपरेशन से आई गॉट अ लॉट ऑफ हेल्प। अच्छा, जैसे डीडीए ने आपके लिए मॉक टेस्ट किए थे, वीकली टेस्ट भी कराते हैं, हर हफ्ते होते ही हैं, लेकिन स्पेशली जो मॉक टेस्ट हुए थे उसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि उसका कितना फ़ायदा मिला? यस सर, देर वर 5 मॉक टेस्ट जो डीडीए में ऑर्गेनाइज हुए थे, जिसमें से मैंने 4 मॉक टेस्ट दिए थे। सर, मॉक टेस्ट इज़ लाइक कार्बन कॉपी ऑफ सीडीएस एग्ज़ाम। सो आपको आइडिया हो जाता है कि आपको किस तरीके से ओएमआर भरनी है, किस आपको कितने स्ट्रैटेजी से सीखना है, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और साथ में आपको टाइम मैनेजमेंट अपना कैसे करना है और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और कितना आपको गैप मिलता है। सो ऑल ओवर मॉक इंटरव्यूज़ और मॉक टेस्ट जो भी होते हैं उनसे आपको ऑल ओवर एक एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस अपने आप में आपको मिल जाता है। अच्छा, अभी संदीप सर ने आपको 1,000 रुपये कैश अवार्ड दिया है, उस 1,000 रुपये को कैसे खर्च करने का सोचा, कुछ आइडिया है? सर, नेक्स्ट स्टेप SSB इंटरव्यू का है, सो उसके लिए मुझे OIR, PPDT ये सब प्रिपेयर करना है, सो आई एम गोइंग टू बाय सम बुक्स फ्रॉम दैट मनी। थैंक यू। अब हमारे साथ है गरिमा फौजदार। तो गरिमा ने CDS का एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो गरिमा आपका ये कौन सा टाइम था और कितना टाइम आपने किया उसकी थोड़ा सा डिटेल बताएंगे? जय हिंद सर। सर, ये मेरा 3rd अटैम्प्ट है और मैंने 2 बार एग्ज़ाम क्लियर किया है। सबसे पहले जब मैं आई थी वो 1st अटैम्प्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ था, उसके बाद 2nd अटैम्प्ट क्लियर हुआ, फिर AFED का एग्ज़ाम क्लियर हुआ, वो भी मैंने पहली बार दिया था, और फिर ये 3rd टाइम CDS दिया तो ये भी क्लियर हो गया सर। तो जैसे पहले आपने CDS क्लियर हुआ था तो उसमें जो आपकी SSB क्लियर नहीं हो पाई, उसमें कहाँ कमी रही, इसके बारे में थोड़ा सा? सर, वो मेरी 1st SSB थी, तो मे बी आई वॉज नॉट दैट मच प्रिपेयर्ड और लोग बहुत एक्सपीरियंस वगैरह लेकर आते हैं, तो आई गॉट कॉन्फिडेंस आउट एंड आई थिंक आई नीड टू वर्क ऑन माई साइकी पार्ट एंड दिस टाइम आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट एंड डेफिनेटली आई क्लियर SSB फुल कॉन्फिडेंट। यस सर। तो अभी जैसे यहाँ पे आप SSB की आप तैयारी करोगे जो और जो यहाँ के CDS की आपने प्रिपरेशन करी, तो उसमें कितना फ़ायदा मिला आपको यहाँ की प्रिपरेशन का? सर, एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ, ऑल्सो प्रेशर हैंडलिंग सीखी, जब आप मॉक टेस्ट देते हो, क्लासेस लगाते हो एंड आप विद इन दैट टाइम फ्रेम में आपको क्वेश्चंस एज मच एज पॉसिबल करने होते हैं, एलिमिनेशन सीखते हो और अल्टीमेटली आपको SSB में भी वो सब काम आता है, क्योंकि 1st डे जो टेस्ट होते हैं सारे टेस्ट टाइम बाउंड होते हैं, तो अगर आपकी टाइमिंग्स और आपकी मैचिंग अच्छी है तो आपको वहाँ भी वो चीज़ फ़ायदा मिलेगा और कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है तो आपको GTO वगैरह में भी काम आता है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर इफेक्ट करती हैं। अच्छा, अभी जैसे संदीप सर ने आपको 1,000 कैश अवार्ड दिया है, तो इस 1,000 रुपये को कैसे खर्च करना है? सर, मेरा तो एक ही सिंपल सा रूल है, मेरे को जितने भी मॉक टेस्ट में भी काफ़ी बार कैश प्राइज मिला है, मैं वो सारा कलेक्ट करती हूँ और मैं अपनी मम्मी को दे देती हूँ। थैंक यू। काइंडली सब्सक्राइब DDA YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।